अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं? हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट ईच अदर? चलिए सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार ले लेते हैं। आप थोड़ा सा इसका विलयन तैयार कर लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का। ठीक है, पर्याप्त है, इसका विलयन बना लीजिए। एक कटोरी में हमने इसका विलयन तैयार किया है। हम इसका देखिए, इसमें पानी को मिलाकर इसका विलयन बना लीजिए। देखिए, इसका हमने ये विलयन तैयार कर लिया है। NaOH क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन तैयार है। अब हम फिनाफ्थलीन रंगहीन सूचक है, फिनाफ्थलीन को लेंगे और ये जो ये यहाँ कागज़ दिखाई दे रहा है इस पर हम लिखेंगे। तो हम फिनाफ्थलीन लेते हैं। चलिए आइए, एक ढक्कन में आप थोड़ा सा फिनाफ्थलीन निकाल लीजिए। चलिए, ये ढक्कन में फिनाफ्लिन निकाल लिया है और अब इस इंडिकेटर से आप इस कागज पर कुछ लिख दीजिए। वैसे हमने पहले से कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर जो दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, एक बार वो लिख दीजिए, थोड़ा ले लीजिए इसमें से। चलिए, बहुत बढ़िया। वैसे हमने इस पे पहले से भी कुछ लिखा हुआ है। तो फिनाफ्लिन सूचक से हमने कागज पर कुछ लिख दिया है और NaOH का हमारा घोल जो है वो तैयार है। तो फिनाफ्थलीन से हम इस पर लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा NaOH क्षार है इसके विलयन का इस पर स्प्रे करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। कीजिए। ये लिखे हुए आप ये इस पर कीजिए, तो ये जी पर जो आपने अभी बनाया था इस पर। हाँ, बहुत बढ़िया। तो देखिए, लिखे हुए अक्षर गुलाबी हो गए ये। ठीक है, एक काम करते हैं, रुकिए थोड़ा सा। ये जी और एच दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वहां भी आप कर सकते हैं चाहे तो। ऊपर एक बार और कर दीजिए, वो लिखा हुआ आपको कुछ दिखाई देगा फिर ऐसा करने से। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। हमारा उद्देश्य यही था कि लिखे हुए अक्षरों को हम गुलाबी दिखा दें। अब देखिए, हमारे पास में फिनाफ्लिन पर क्या हुआ, ये NaOH क्षार की क्रिया से रंग क्या हुआ है, गुलाबी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब हम इस एसिड को एसिड का इस पर स्प्रे करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। देखिए, ये HCl अम्ल हम इसमें से निकाल रहे हैं। ओके, बस ठीक है, पर्याप्त है। अब आप ऐसा करिए कि ये जो गुलाबी रंग से लिखा हुआ है, ये गुलाबी से जो आपने लिखा है इस पर आप ये HCl डाल दीजिए। देखिए, ये लिखा हुआ मिटने लगा है। देखिए आप, ये देखिए, मतलब क्या हुआ है कि इस अम्ल ने इस क्षार के प्रभाव को क्या कर दिया है, क्षार का जो प्रेक्षित प्रभाव था उसको इस अम्ल ने समाप्त किया। एक बार और कीजिए। देखिए, ये समाप्त कर दिया इसको, क्षार के प्रेक्षित प्रभाव को इस अम्ल ने समाप्त कर दिया। अब आप ऐसा कीजिए, फिर से NaOH का स्प्रे कीजिए इस पर, इन्हीं अक्षरों पर। देखिए, फिर से गुलाबी हो गए हैं। फिर से कीजिए। इस प्रकार क्षार ने अम्ल के प्रेक्षित प्रभाव को समाप्त कर दिया। इसे ही हम उदासीनीकरण की क्रिया कहेंगे। NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, अम्ल और क्षार ने मिलकर ये उदासीनीकरण की क्रिया की और लवण और पानी बनाया।